गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोग इंतजार कर रहे होंगे न्यू व्लॉग का। सो आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और आप लोगों को थोड़े बहुत गैसेस मैं दे देती हूँ कि अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सारी जो है ना वो मेन्यू कार्ड्स की, क्योंकि हम लोगों ने एक ज़रा डिफरेंट सी हाईटी पार्टी अरेंज की है, जिसके लिए मैं जो है वो अरेंजमेंट में यूनिकॉर्न की थीम है हमारी ना बर्थडे पार्टी की, तो उसके अंदर जो है ना मैं इस तरह का मैंने जो है ना मेन्यू कार्ड में इस तरह का एक यूनिकॉर्न ड्रॉ किया है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, अच्छा किस तरह से मैं इसको सजा रही हूँ। ठीक है, जैसे देखें इस तरह से ना मैंने ना एक ना ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मैंने लिख दिया हमारा मेन्यू में चना चाट है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो मैंने लिख दिया इसके अंदर। सब मैं इस तरह से लिखूंगी, अभी मैंने ये कट किए, काफ़ी टाइम लग गया था और फिर मैंने बीच में सोचा यार चलो फिर मैं ब्लॉग ही कर लेती हूँ, जब इतना इंटरेस्टिंग काम कर ही रही हूँ सबको पसंद आएगा। इसके लिए ना मैंने इसके कानों के लिए ना मैंने ये चीज़ इसकी सेलेक्ट की है। ठीक है, इस तरह से जो है ना वो इसके कान आ जाएंगे। ठीक है, और मैं जो अभी जो मैं आप लोगों के सामने ये काम कर रही हूँ ना, ये जो मैं कार्ड्स काट रही हूँ, ये मैंने ना इसके ना काफ़ी सारे फ्लावर्स बनाए हैं, जिसके अंदर एक और फ्लावर ये रहा, सही है, तो ये मैंने काफ़ी सारे फ्लावर्स बनाए हैं, तो इसके अंदर ना हम इस तरह से इसका यूनिकॉर्न को ना अरेंज कर देंगे फ्लावर्स के साथ कि ये इसका क्राउन बन जाएगा, सही है। अच्छा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये थोड़ा सा जो ब्लू कलर है ना वो इसके साथ मज़ा नहीं कर रहा, लेकिन यार दोनों पर्पल पर्पल हो जाएंगे हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि ये डार्क कलर की जो पर्पल शीट है ना इसका कर लूँ, ये सेंटर वाला, अभी देखते हैं क्या हिसाब आता है, सही है। तो इस तरह से बाकी इसकी आइस का भी सोचते हैं, तो पहले मैं ये सब प्रिपरेशन कर लूँ पूरी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे मेन्यू कार्ड्स कैसे तैयार हुए। ठीक है, प्रिपरेशन जो है ना वो मैं साथ साथ करती जा रही हूँ, इसको मुझे उस पर लगाना पड़ेगा मोबाइल को ना, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग देखते जाएं। इसके भी मैंने कर लिए, मैंने वो फ्लावर नहीं हुए पूरे, लेकिन मेरे ये थोड़े से रह गए अभी फ्लावर्स ना बनाने के। गाइस फाइनली मैंने सारे पर्पल फ्लावर्स भी बना लिए हैं, सारे मैंने ग्रीन फ्लावर्स भी बना लिए हैं और सारे मैंने पिंक फ्लावर्स भी बना लिए हैं। सो अब मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, अब आप लोगों को इसकी कंप्लीशन दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने इसके अंदर जो है ना ये मल्टी कलर्स का ऊन था, तो मैंने इसके अंदर ना ये लगा दिया, सही है, साइडों में। अब मैं इसके अंदर ना एक सेंटर में फ्लावर, पहले मैं इसके अंदर ना ये लगाऊंगी इसके कान, पहले मैं इसके कान लगा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर लगाऊंगी फ्लावर्स ऐसे करके ना, सही है, ऐसे करके मैं फ्लावर्स लगा देती हूँ। ठीक है, फिर ये कम्प्लीट हो जाएगा, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। गाइस ये बन गया कुछ इस तरह का लग रहा है। ठीक है, अब इसकी आंखें मुझे सही भी लग रही हैं वैसे तो, क्योंकि यार फिर वो ना हमारा मेन्यू नहीं आएगा ना। हाँ, मैं देखती हूँ, अगर इसकी आंखें मुझे नीचे करनी हुई तो थोड़ी सी नीचे कर दूंगी, नहीं तो मैं देख लेती हूँ, ये यूं ही भी सही लग रहा है। ठीक है, और साइडों में इसके अभी और आउटलाइनिंग होगी, पूरा कम्प्लीट होगा तो फिर ये भी मैं सोच रही हूँ मल्टी कलर्स से लिखे हम लोग, तो ये देखते हैं अभी कैसे लिखते हैं, पहले मैं और भी जो है ना वो कर लूँ फुल कम्प्लीट ना, सही है, फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइज ये हमारे रेडी हो गए हैं यूनिकॉर्न मेन्यू कार्ड्स बनके, जिसके अंदर हमने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, तो टोटल ये 9 हैं। अब इसके अंदर देखती हूँ क्या क्या मेन्यू हमने लिखना है, कंप्लीट हो जाए फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना यार, सूरत लग रहा है, वाओ।
गाइस फाइनली कंप्लीट हो गया है हमारा सारा मेन्यू, जिसके अंदर है वाटरमेलन, इसके अंदर है रोल्स, इसके अंदर है चिप्स, मेन्यू के अंदर है सैंडविचेस, इसके अंदर है रशियन सैलेड, दही बड़े, चना चाट है इसके अंदर, और हमारे पास है मिनी बर्गर्स। सो ये सब हमारा मेन्यू है और हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। और ये भी है हमारे पास भाई कोन समोसा। ओके सो अब इसको कलर करते हैं, कुछ करती हूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। कलर कर लेती हूँ इसके अंदर मार्कर्स से ना, डिफरेंट मार्कर्स से, फिर देखती हूँ कैसा लग रहा है। गाइज़ अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारे ये कार्ड्स तैयार हो गए हैं, मेन्यू कार्ड, जिसके अंदर है मिनी बर्गर्स, वाटरमेलन, चना चाट, रशियन सैलेड, दिस इज सैंडविच, दिस इज दही बड़े, और ये आ गया रोल, कोन समोसा एंड चिप्स। तो ये हमारे मेन्यू में आइटम्स हैं जो हमने बूफे अरेंज किया है। तो यहाँ तक का तो खैर काम ख़त्म हुआ, सुबह हो गई है और हम लोग लगे पड़े हैं इस काम में। तो इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे इसी ब्लॉग को कि कल क्या क्या तैयारियाँ होती हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फिर। ठीक है जी, सो ब्लॉग पूरा देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है वाले ब्लॉग में। ठीक है जी, ओके गाइज अस्सलामु अलैकुम। तो आज जो है वो मैंने सुबह आप लोगों को दिखाया था, कार्ड्स वगैरह बना के फिनिश हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे कार्ड्स पूरे बन के। तो अब मैंने जो है ना वो बलून्स की प्रिपरेशन करनी है। तो ये जो है काफ़ी सारे बलून्स हमने फुला लिए हैं, अब हम इसकी आर्ट्स बनाएंगे। तो फिर मैं आप लोगों के साथ प्रोसीजर शेयर करती हूँ कि किस तरह से हमारी आर्ट्स तैयार होगी इसकी। ठीक है, अभी और फुलने बाकी हैं इसके अंदर बलून्स, तो अभी साथ साथ फुलाते जा रहे हैं और आर्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ सीधा सही है, बस कोई चुने नहीं आएंगी, अगर आएंगी चुने तो फिर वो हम कर लेंगे उसको। सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है अम्मी आप कर दें इसको। ठीक है ये निकाल देते हैं हम लोग, ये बिल्कुल अच्छा होगा। जैसे मैं हम क्या कह रही हूं, यही तो कह रही हूं ना। ठीक है सही है, ये वाला सो गाइस काफी सारे गुब्बारे फूल गए हैं, ये वाले भी फूल गए हैं छोटे वाले, इनको बाहर भी लगाना होगा और इसके ऊपर भी लगाना होगा, और ये वाले बड़े वाले भी फूल गए हैं। ये छोटे वाले जो है ना, ये इसी के बड़े वालों के ही हमने छोटा कम कम करके फुलाया है, ये अलग से नहीं लिए थे, ये इसी के साथ यही वाले। ठीक है, और यहाँ से जो है ना वो हमने निकाल दिया ये वाला पर्दा, और इसके अंदर जो हम लोग अपना वो कर देंगे कपड़ा अटैच, ताकि आसानी हो जाए। सो गाइज हमारा ये कपड़ा रेडी हो गया है, ऊपर अम्मी ने ना इसको इस तरह से कर दिया कि ये हमारे पर्दे की तरह आराम से आ जाए, तो ये इस तरह से आ गया, इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा लग रहा है ना, सही है ना। ठीक है जी, तो वो क्यों, किसकी वजह से? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलता है वो, तो बलून आ जाएंगे ना, चुंदे के अंदर दबा देना, फंसा तो बलून आ जाएंगे ना, बलून आ जाएंगे ना। सही है सही, नहीं ना ऊपर से पीछे भी कर देगा किनारा, सही था वो, बुरा लग रहा है ना ऊपर नीचे वो, ऊपर का ऊपर से फ्रिल को ना चढ़ के ये, हां नहीं वो पीछे वाला पे चाहिए, पीछे वाला जो है ना, हां उसको सबको खड़ा कर दो ऊपर। हां वो जरा एक तरफ से खड़े हुए हैं लेकिन वो नजर नहीं आएंगे अम्मी, वो बलून आ जाएंगे, ब्लू दो एक और दो, ब्लू नहीं बड़े दो ना बेटे। अच्छा इधर बैठ के खेलो, लाओ एक और दो, अब कौन सा आएगा, ग्रीन पहले पर्पल आ गया, पहले पर्पल आपके पीछे है, पर्पल एक ये तो आ रही है ना, वीडियो वीडियो आ रहा है, कुछ अगले में लाओ और दो पर्पल, इसके अंदर दो छोटे हैं और दो बड़े हैं। अरे
चलो ग्रीन दे दो इतना अच्छा लग रहा है अभी सही लाओ हल्की सी बिल्कुल इतनी शक्ल दिखी आपकी साइड से काट देगा थोड़ी सी दिखी है ना बिल्कुल थोड़ी सी जब आप आगे अभी अभी पिंक लगा रही हूँ वो हटा दूँ पिंक तो उधर भी लगा दी है ना अभी रोक दूँ वीडियो अभी जब पर्पल लगाएंगी तब बनाना शुरू कर दूँगा नहीं सही है बनाए रखो फास्ट कर देंगे ना तीन लगा दिए पिंक पीछे पड़ेंगे सब और खुलाने पड़ेंगे अभी तो यहाँ लेकर आ जाओ बिल्ला आसान हो गया इससे तो यार उसे बताने कब तक कर दे अब आप ये बताएं कि पूरा चौरस कर चौरस नहीं होगा ये ना घूम जाएगा चौरस बना रही हूँ ना जितने बन रहे हैं फिर देखो कितने बलून खुलाने हैं वो चाची मान देंगी बलून तो चाची ना पूछो कुछ काम कर रहे हैं क्या आ जाए अभी हमारा प्रोसेस इतना कंप्लीट हो गया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी और बलून्स फुलाने पड़ेंगे क्योंकि बलून्स कम पड़ गए हैं फिर मैं देखती हूँ कि कितनी आर्च बन रही है ना सही है फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मजीद प्रोसीजर कि कितनी बड़ी आर्च बनेगी और मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ ठीक है गाइस यहाँ तक का प्रोसीजर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया अच्छा खासा मैंने बड़ी जो है वो आर्च बना ली है पूरे कमरे तक की अब इसको मैं लगा कर देख लेती हूँ कहाँ तक आ रही है ठीक है जी चलो लगाओ देखो कहाँ तक आ रही है ये देखो कहाँ तक आ रही है आर्च वो वहाँ से मैंने बांधा हुआ है वहाँ से मैंने बांधा हुआ है फिर हम खोलो नहीं वो मैंने बांधा हुआ है अंदाजा लगाएं और कितना बनाना होगा हाँ दो कलर और आएंगे अच्छा बताओ ऐसे गोल वाला भी तो अच्छा लग रहा है या गोल वाला या फिर हम स्क्वायर करें स्क्वायर भी लग रहा है अच्छा राउंड अच्छा
हमारा सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है, ये लास्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं जो हूँ ना वो अगर मुझे और लगाने हुए तो फिर मसला हो जाएगा, क्या करें? नहीं होगा, हो जाएंगे ना पूरे, या पर्पल एक डाल दूँ और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मसला हो जाएगा। नहीं 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 सही है, पर्पल दे दें, पर्पल डालकर देख लेते, थोड़ा सा पीछे करो, पर्पल हो जाएंगे, हैं अवेलेबल हैं, और दो पीस और चाहिए होंगे पर्पल के। लाओ अब मैं आपको बताऊं, अब ना आप यूं करके एक लाइन लगाए और उस रीलिंग में डायरेक्ट डोरी से बांध दे इसको, फिर यूं ले जाके वहां डोरी से बांध दे, फिर नीचे ले लाओ एक और लास्ट पीस ऑफ द बैलेंस। वो बड़े छोटे जो हैं इसलिए हो रहा है शायद। नहीं नहीं यार वो ना, हाँ ये अपने हाथ में रखो, हाँ आप ये रीलिंग से कर दें। थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, बहुत ऊंचा तो नहीं हो गया? हाँ ऊंचा हो गया, थोड़ा नीचा होगा। देखो नीचे मार दे। क्या पीछे गिरा है लट्टू? लट्टू दे दो उठा के उसका। गाइस फाइनली इतना प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया है आर्ट्स का, और इस तरह से हमारी पूरी आर्ट्स बन के तैयार हो गई है। अब हम लोग जो ये छोटी आर्ट्स बना रहे हैं ना, ये हम बाहर के लिए जो वेलकम बोर्ड है उसके लिए बना रहे हैं, और बाकी इसके अंदर जो बीच बीच में छोटे छोटे बलून लगेंगे वो टचिंग के, वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना एक्चुअली मुझे जाना है, तैयार होना है, क्योंकि हमें एक जगह दावत में जाना है, तो फिर वहाँ से आके मैं इसको कम्प्लीट करूँगी, ठीक है जी। तो फिर वीडियो कंटिन्यू होगी रात को इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो गाइस फाइनली जो है ना ये तैयार हो गया है हमारा, वेलकम का बैनर भी रेडी हो गया है, और ये भी तकरीबन रेडी हो गया है। अब इसके अंदर और कुछ भी थोड़ी सी एडिंग करनी होगी, ठीक है जी। बाकी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि और क्या क्या हमने ऐड किया। तो गाइस मैंने ये छोटे वाले बलून जो है ना इसके अंदर एडजस्टमेंट के लिए फुला लिए हैं। अब मैं इसके अंदर छोटे वाले बलून्स की जो है वो डेकोर करने लगी हूँ। मैंने टेप भी ले लिया, इस टेप से हम इसके अंदर जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ यार ज़्यादा यहाँ पे होने चाहिए बलून्स, तो फिर वहाँ पे इसको लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है आर्च का लुक, ठीक है। सो गाइस फाइनली ये हमारा जो है वो आर्च तैयार हो गया है, और ये रेडी हो गया, बड़ा बॉम्ब लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो आप लोग ये चेक करें इसका लुक, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टनिंग, लग ही नहीं रहा कि यार हमने खुद डेकर किया, लग रहा है हमने किसी से करवाया है। वाह भाई क्या बात है हमारी अच्छा लग रहा है ना, वेरी नाइस। सो गाइस मैं आप लोगों को अभी फाइनल लुक तो नहीं, पूरा फुल फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरह का जो है वो आर्च बन के रेडी हो गया है। सुबह टेबल का मैं लेने के लिए जाऊँगी, साइडों में हम लोगों ने इस तरह से कर दिया ताकि ज़रा अच्छा लगे डेकोरेशन, ठीक है। और ये वाली साइड पे भी हमने इस तरह से कर दिया, और बाकी मैं आप लोगों को अपने ड्रेसेस दिखा देती हूँ। ये अबीरा का ड्रेस है और ये मेरा ड्रेस है, सही है जी। और बाकी ये मैंने बलून्स वगैरह बुला लिए यूनिकॉर्न के, बाकी ये मैंने जो बैनर्स बनाए थे इसके पीछे अभी स्टिक लगा के इसको स्टैंड करने के लिए एज ए स्टैंड के तौर पर, तो ये मैंने इस तरह से ये रखे हैं क्योंकि ये किसी भी तरह खड़े नहीं हो रहे थे ना, तो हम लोगों को कल फिर मेन्यू के आगे रखना होगा, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से बना के सब रख लिया स्टैंड बना के ना। तो इस व्लॉग शूट करना ज़रा मुश्किल हो रहा था क्योंकि काम साथ साथ करना था,
फिर अबीरा भी जाग रही थी। बाकी के जो बलून बचे ना हमारे, ये गिफ्ट वगैरह जो है ना, ये मैंने इस तरफ रख दिए थे, जितने भी अभी तो जिसने पहले से गिफ्ट दे दिए थे, ये इनके पप्पो ने दिया है और ये जो है वो दादी ने दिया। तो ये जो है ना, जैसे पहले से गिफ्ट जो है ना रखने के लिए, यहाँ पे जो बलून एक्स्ट्रा फूल गए थे वो मैंने डाल दिया, अगर कोई काम आएंगे तो फिर वो हम कहीं एडजस्ट कर लेंगे। बाकी और दिखाती हूँ। अच्छा, बाहर का जो हमने डेकोरेशन किया है वो इस तरह से किया है, छोटी वाली आर्च बना के, और इस तरह से किचन का सेटअप जो बिल्कुल फ्रंट पे नज़र आएगा इस तरह। और गाइज, ये भी मैंने यहाँ पे ना एक्चुअली बैनर पे लिखना था वेलकम टू अबीराज बर्थडे पार्टी, लेकिन अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है क्योंकि सुबह के 5:30 हो गए अगेन, क्योंकि कल से हम लोग जाग रहे हैं। कल भी बहुत लेट सोए थे सुबह में, क्योंकि मैं यूनिकॉर्न कार्ड्स बना रही थी, मेन्यू कार्ड्स, तो इसलिए जो है ना बस यहाँ तक का हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब इसके अंदर देख लेंगे, अगर पिक्चर्स हुई तो पिक्चर्स हैंग कर देंगे, या कल ही देख लेंगे सुबह में जो भी होता है, नहीं तो यहाँ पर ऐसे ही वेलकम लिख के लगा देंगे ऐसे ही बोर्ड पे ना, इस तरह से। तो ये मैंने ये भी दिखा दिया कि हमने ये एंट्रेंस का बनाया है। ये हमारे पास स्टैंड रखा हुआ था तो हमने सोचा इसको भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं कहीं ना कहीं, तो वरना ये मतलब हमारा इरादा नहीं था इस तरह का करने का, लेकिन हमने कर दिया ये इस तरह से। सो गाइज, ये मिनी बन आ गए हैं हमारे, अब इसके हम बर्गर बनाएंगे छोटे छोटे। ये बन तो कम है, कितने हैं ये? 50 नहीं नहीं सही है, पूरे हो जाएंगे। सो गाइज, बन बनना स्टार्ट हो गए हैं, बर्गर्स बन के, बन तो बने में ही है ना, बर्गर्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। हमारे जो है वो फाइनल लुक है हमारे डेकोर का, और बाकी ये देख लें आप लोग साइडों से, बाकी ये सब गिफ्ट्स हैं, ये सब आ गए जनाब गिफ्ट्स, और बाकी ये आ गया हमारा डेकोर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बाहर का डेकोर भी दिखाती हूँ। इन एंट्रेंस का डेकोर हमने इस तरह से किया है, ये भी बस ऐसे ही जैसे बस बलून से ज़रा सा सजावा है। बाकी हम लोगों ने इसके अंदर डिशेस में इस तरह से मेन्यू रखा है, तो अभी इसके अंदर तो चीज़ें आएंगी काफ़ी, और इसके अंदर
ऑलरेडी हमने मिनी बर्गर्स रख दिए हैं, अभी मैं आप लोगों को दोबारा से दिखाऊंगी। और इसके अंदर हमने सैंडविच रखा है और बाकी ये जो है ना ये आ गए सब मेन्यू कार्ड्स। और बाकी ऊपर का डेकोर भी दिखाती हूँ मैं, ये चेक करें, ये है सारा डेकोर। ये हमारा डेकोर थोड़ा सा नीचे गिर गया है, इसको अभी हमें सही से फाइनल लुक देना है और बाकी हमारी सब तैयारियाँ कंप्लीट हैं। ओके जी, अब मैं भी बस तैयार होंगी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अच्छा गाइस, केक देख लें, केक इस तरह का है, हम लोगों ने कस्टमाइज करवाया है अपनी थीम के हिसाब से। सो दिस इज द केक। सो गाइस, फाइनली हमारी सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई हैं और ये सारा बूफे हमने सेटअप कर दिया है और इसका है फाइनल लुक इस तरह का। कितनी क्यूट है मरियम, बहुत क्यूट है। चलो भाई मरियम बैठो, दोनों ये माहिर ने दिया है गिफ्ट। हां हां, माहिर को पता नहीं है लगा कि उन्होंने गिफ्ट दिया। अच्छा, अबीरा कहां है? अबीरा रिमोट। हां, कितनी क्यूट है ये, बहुत प्यारी लग रही है। चलें अबीरा।